अच्छा, एक दो ट्रेड, एक ट्रेड ले लेते हैं, फिर याद रखिएगा चार का चौका की तैयारी हमारे जानकार कर भी रहे हैं। मेटल्स पर मेरी नजर गई, हिंडाल्को में रोल रिवर्सल आया, आधा परसेंट ही ऊपर लेकिन एक्शन आ रहा है। टाटा स्टील में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, और कल दोपहर में आपको याद होगा टाटा स्टील में बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले थे, आज 111 के आसपास है। बेहती साहब, कल का अगर ट्रेड है, उन दर्शकों को क्या करना चाहिए टाटा स्टील हिंडाल्को में? जी, पूरे स्टील सेक्टर में बने रहना चाहिए। अच्छा मूव देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से टाटा स्टील का कल का प्राइस एक्शन था बहुत इम्प्रेसिव था, और स्टॉक ने अपने 200 डेमा को भी कल रिगेन किया, तो जरूर बने रहने की ट्रेड है। इनफैक्ट करंट लेवल पे भी एक फ्रेश ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 10950 का, 10950 का एक एसएल मेंटेन करे। ये जो मूव है, हमें लगता है कि 114 तक आता हुआ देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं हिंडाल्को की बात करूं तो इसमें भी बहुत शानदार मूव देखने मिला है। तो हिंडाल्को में भी बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 458 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हिंडाल्को का भी मूव हमें लगता है कि 482 तक का आता हुआ देखने मिल सकता है। ओके, तो 482 तक के लेवल्स, और टाटा स्टील में भी एक पुल अप देखने को मिल सकता है, तो तेजी की पोजीशन है तो होल्ड करें, ये भरोसा आशीष बहेती जता रहे हैं। चलिए, चार का चौका की तैयारी।